झोलाछाप की लापरवाही से एक ग्रामीण की जान चली गई। एक महीने पहले उसने झोलाछाप से हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराया था, मगर उसकी तबीयत आए दिन खराब रहती थी। रात को अचानक तबीयत खराब होने पर परिजन उसको क्लिनिक पर ले गए, जहां पर उसने रात में दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही पानी में दवाइयां फेंक कर झोलाछाप वहां से भाग निकला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मामला थान गांव थाना इलाके का है। क्षेत्र के केवलिया मजरा परसिया निवासी देशराज ने 16 नवंबर को इलाके में मियापुरवा चौराहे पर झोलाछाप राजेंद्र यादव के क्लिनिक पर हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराया था। आरोप है कि झोलाछाप ने 10,000 में ठेका लेकर ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद से ही देशराज की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मंगलवार रात को अचानक देशराज की तबीयत बिगड़ गई, जिसको लेकर परिजन झोलाछाप के मियापुरवा चौराहे पर स्थित क्लिनिक ले गए। इलाज के दौरान रात करीब 2 बजे देशराज की मौत हो गई। इसके बाद झोलाछाप सारी दवाइयां पानी में फेंक कर फरार हो गया। मृतक की पत्नी ने आरोपी के खिलाफ थानगांव थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। इस मामले में मृतक की पत्नी श्यामा ने जानकारी दी। तारीख कहाँ ऑपरेशन हवा रहा है, बुलरिया के डॉक्टर आए राजेंद्र ना राजेंद्र यादव, तो पूरा ठेका लेन ना है, कहने ठीक कर दिया और तो धीरे धीरे फायदा भा कुछ धीरे धीरे तक तबीयत परेशान हो गई। तब काल रात में ही 12 बजे परेशान भी है तो दमाद हुए रहा, तो फोन की सी कहे डॉक्टर साहब आओ खराब है तबीयत ज़्यादा, तो गोली को नहीं रहा तो बताए दिन दे दी हो, तो गोली दे दी फिर नहीं फायदा भवा, तो धीरे धीरे फिर दर्द हो लागे। जब दर्द खूब भाई तब थोड़ी देर बाद दम नहीं करी गवा, फिर फोन की तब डॉक्टर आए दवा सब बहाए दी पानी में यहाँ और भाग गए। हाँ, थाने में सूचना दी है आप लोगों ने? हाँ दी है सूचना, दरखास्त है। क्या नाम आपका? श्यामा। उधर इंस्पेक्टर थानगांव संतोष कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।